नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आज बात करते हैं गैरसैंण की। 21 साल का लंबा सफर, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च और 350 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा, लेकिन सच्चाई बस एक नारे भर की है। और मेरी नजर में यह नारा है, बस चुनावी नारों में कहते रहिए गैरसैंण राजधानी है। बात चुनावी नारों जैसी चटपटी नहीं है, लेकिन सच्चाई भरी है, इसीलिए बात करनी जरूरी है। मेरा अनुरोध है, आप लोगों को भी सुननी जरूरी है, इसीलिए आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले दो बातें जान ले। बात 1993 की है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने एक समिति बनाई जिसको यह पता करना था कि उत्तराखंड की राजधानी के लिए कौन सी जगह ज्यादा उपयुक्त है। इसके लिए जनता की राय जानी गई। 68% लोगों ने गैरसैंण को राजधानी का समर्थन किया। 68% लोगों का कहना था कि यह जगह प्रदेश में राजधानी बनने के लिए सबसे ज्यादा उचित है, उपयुक्त है। यह जनता की राय थी। अब दूसरी बात पर आते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद भाजपा की अंतरिम सरकार ने वीरेंद्र दीक्षित आयोग बनाया। इस आयोग ने एक तो समय पर रिपोर्ट नहीं दी, इसका कार्यकाल बढ़ाया गया और 2008 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि गैरसैंण राजधानी बनने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। यह एक सदस्यीय आयोग था, इसको लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट छपी है। अब आप सोचिए, एक तरफ 68% जनता की राय और एक तरफ एक सदस्य आयोग की रिपोर्ट। एक सच और जान ले, इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। और सच यह है कि 9 नवंबर 2000 को राज्य बनने के साथ ही केंद्र सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था। इस शासनादेश में कहा गया था कि स्थायी राजधानी का फैसला चुनी हुई प्रदेश की विधानसभा करेगी, तब तक देहरादून अस्थायी राजधानी होगी। भाजपा की नित्यानंद स्वामी सरकार अंतरिम सरकार थी, उसी ने वीरेंद्र दीक्षित आयोग बनाया। 2002 में चुनी हुई सरकार कांग्रेस की आई, इसके बाद चुनी हुई सरकार भाजपा की आई, इसके बाद चुनी हुई सरकार कांग्रेस की आई, इसके बाद चुनी हुई सरकार फिर भाजपा की आई। अब पता नहीं इस बार किसकी सरकार आएगी, लेकिन गैरसैंण को लेकर वही एक नारा जो मैंने शुरू में दिया है, बस चुनावी नारों में कहते रहिए गैरसैंण राजधानी है। यह कमाल की बात है। भाजपा भी चाहती है गैरसैंण राजधानी बने और कांग्रेस भी चाहती है गैरसैंण राजधानी बने, इसके बाद भी गैरसैंण राजधानी बन नहीं रही है। क्यों? रोका किसने है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 3 नवंबर 2012 को कांग्रेस की सरकार के दौरान गैरसैंण में एक विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया। इसके बाद 2014 में गैरसैंण में भवन निर्माण कार्य शुरू किया गया। 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। अगर अखबारों में छपी खबरों को देखें तो यहां पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है। और 2021-22 के बजट में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण राजधानी के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए की घोषणा की है। अभी तक विधानसभा भवन और एक विधायक हॉस्टल बना है और बहुत सारा काम चल रहा है। लेकिन आप इस प्रदेश के हर बड़े नेता से जाकर पूछ लीजिए कि उसके घर का पता कहां पर है, वो देहरादून में रहते हैं। और जो नए नए राजनीति में आ रहे हैं, उनको भी देहरादून में रहने की आतुरता है, लेकिन मन से बात गैरसैंण की करते हैं। यह उत्तराखंड की राजनीति की घोर बेशर्मी का एक उदाहरण भर है। आप एक दो सच्चाई और जान ले, फिर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। पहली बात, उत्तराखंड में 10,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि WHO का मानक है कि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बुखार की दवा लेने के लिए भी कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और दूसरी बात, यह डिजिटल दुनिया का दौर है, लेकिन कोरोना के इस काल में उत्तराखंड में 82% बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित है। डिजिटल की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो स्कूल जाने के लिए 10 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यह बात मैं कोई अपने मन से बनी बनाई नहीं कह रहा हूँ, इस पर मीडिया में तथ्यों के साथ खबरें छपी है जिनकी कटिंग भी मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, क्योंकि बात सत्य तभी होती है जब तथ्य होते हैं, और वो पेश करने की मैं कोशिश करता हूँ अपनी हर रिपोर्ट में। अब अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, मेरा अनुरोध है। इस बार का भाजपा का घोषणा पत्र अभी आया नहीं है। भाजपा ने अपने पिछले घोषणा पत्र में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात कही थी। कांग्रेस का इस बार का घोषणा पत्र आ गया है। कांग्रेस ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात लिखी है, लेकिन स्थायी शब्द नहीं लिखा है। इसीलिए सवाल बनता है कि क्या भाजपा और कांग्रेस उत्तराखंड में अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है?
क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी शब्द तो औपनिवेशिक सोच को दर्शाता है। जब कारोबार करना होता है तो राजधानी कलकत्ता कर लो, गर्मी में सैर सपाटा करना है तो राजधानी शिमला या मसूरी कर लो, और सत्ता चलाने के लिए राजधानी दिल्ली में कर लो। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जनता की राय सर्वोपरि है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति मनमानी पर उतारू है, ऐसा लगता है। यह कमाल की बात है। भाजपा और कांग्रेस उत्तराखंड के विकास का दावा कर रही है, लेकिन गैरसैंण के मामले में जनभावना को किनारे रख रही है। बस एक बात समझ ले, अगर गैरसैंण राजधानी बनती है तो आप कुमाऊं की ओर से आइए या फिर गढ़वाल की ओर से आइए, आपको करीब करीब आधे उत्तराखंड का सफर तय करना ही होगा। ज्यादा गणित लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रदेश के बीच में राजधानी होने से विकास आएगा और पलायन खुद ब खुद रुक जाएगा। क्या राजनीति को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? अब उत्तराखंड की राजनीति को यह बात समझ में क्यों नहीं आती है, इसको लेकर मैं आने वाली स्टोरी में कुछ और भी बात करूंगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।